हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट हिस्ट्री में लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड इरविन के शासनकाल को देखेंगे कि कौन कौन सा घटना जो है इनके शासनकाल में घटा था, और साथ ही साथ लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में भी पढ़ेंगे। इन तीनों से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो, सारा वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका शासनकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था, और इन ईस्वी के बीच जितना भी घटना घटा है सब लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही आएगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। और इस घटना के बाद याद रखना है कि महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और इस घटना के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने जो है अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना की। तो याद रखना है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। किसके नेतृत्व में? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और शासनकाल लॉर्ड रीडिंग का था। नेक्स्ट याद रखना है कि इसके शासनकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी, और इस दिन याद रखना है कि पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे ये नवंबर 1921 में आए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट याद रखना है कि 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस बना है बहुत बार कि मोपला विद्रोह किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, और कब हुआ था? 1921 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो मोपला विद्रोह था ये भारत के किस राज्य में हुआ था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है कि 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 1922 में। 1921 में क्या हुआ था? M.N. राय द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो याद रखना है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उनका गठन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा, और कब किया गया? 1921 में। नेक्स्ट याद रखना है कि जो 1925 में है, 1925 में क्या घटना हुआ था? 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता, याद रखना है कि स्वामी सरदानंद की जो है हत्या कर दी गई थी। तो ये शासनकाल किसका था? याद रखना है लॉर्ड रीडिंग का, ठीक है। चले नेक्स्ट जो है हम सब लॉर्ड इरविन के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा घटना जो है इनके शासनकाल में हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना है 1926 से 1931 तक इनका ही शासनकाल था, और सबसे पहले एक घटना घटा 3 फरवरी 1928 में, साइमन कमीशन जो मुंबई आया था, ये किसके शासनकाल में? इन्हीं के शासनकाल में। तो इस भी याद रखना है 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन जो है कहाँ पहुँचा था? मुंबई में। उसके बाद याद रखना है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट याद रखना है कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथी के द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया था। तो याद रखना है कि दिल्ली का जो असेंबली हॉल में बम फेंका गया 1929 में, ये एक्चुअल में क्यों फेंका गया था? क्योंकि लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु जो हो गई थी, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण, और इसी के लिए बदला लेने के लिए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है असेंबली हॉल में जो है बम फेंका गया था 1929 ईस्वी में, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो बम फेंका था 1929 में ये किसने फेंका था, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि 1929 में ही क्या हुआ था? जतिन दास की जो है मृत्यु हो गई थी। किस तरह से? 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट याद रखना है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है किस अधिवेशन में घोषित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में, और कौन सा ईस्वी, 1929 ईस्वी में, और इसके तहत जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1930 से। तो देखिए ये 26 जनवरी 1930 से जो है, ये 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में अभी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, ठीक है। लेकिन ये जो घोषणा हुआ था ये 26 जनवरी 1930 को हुआ था, इसलिए जो है जो हम सब जो है 26 जनवरी को क्या मना लेते हैं, गणतंत्र दिवस मना लेते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को रखा गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। सम्मेलन हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये सम्मेलन जो था गोलमेज सम्मेलन, ये लगातार हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। और याद रखना है कि कांग्रेस ने जो भाग लिया था वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया था, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये जो गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, और इसके हस्ताक्षर करने के साथ ही, मतलब ये समझौता करने के साथ ही जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि इतना शासन, ये सब जो है घटना जो है किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल था 1931 से 1936 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में याद रखना है कि लंदन में 7 दिसंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 को क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो मैंने ये आपको बताया कि जो है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट याद रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब प्रारंभ किया गया, तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। और ये क्यों किया गया, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन पे जो है बात नहीं बना, ये असफल रहा, ठीक है। इसलिए फिर जो है गांधी जी ने गुस्सा के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट याद रखना है कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है 25 दिसंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो ये पूना समझौता कब हुआ, 25 दिसंबर 1932 के बीच, किसके बीच, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट याद रखना है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा है, ये 16 अगस्त 1932 को किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट याद रखना है कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, मतलब कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम ने 1935 पास किया था। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, ये किसके शासनकाल में पास हुआ, तो याद रखना है लॉर्ड वेलिंगटन के ही शासनकाल में ये पास हुआ था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ 1934 में याद रखना है बिहार में भयंकर भूकंप आया था इन्हीं के शासनकाल में, और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था, ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। तो ये पॉइंट देखिए बहुत पहले घटना हुआ था कि लॉर्ड वेलिंगटन तो अभी थे, ठीक है, इनका शासनकाल, लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब था, 1931 से 36 ईस्वी तक, ठीक है।
लेकिन इनके पहले याद रखना है, इन्होंने एक बार कांग्रेस अधिवेशन में पहले भाग लिया था। ये कब भाग लिया था? तो कांग्रेस का जब बॉम्बे अधिवेशन चल रहा था 1915 ईस्वी में, तो इसमें याद रखना है कि इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा किया कर रहा था। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने किस अधिवेशन में जो है हिस्सा लिया था, तो मुंबई अधिवेशन 1915 में। चलिए उसके बाद हम सब जो है लॉर्ड लिनलिथगो को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज लॉर्ड इरविन और कौन सा लॉर्ड वेलिंगटन, और इसके बाद हम सब पढ़ लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो इनका शासनकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक था। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांत पर सरकार बनाई। तो याद रखना है कि पहली बार चुनाव कब कराया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है, 11 में से 7 प्रांत में। उसके बाद क्या हुआ कि इनके शासनकाल में याद रखना है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांत के सभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। तो याद रखना है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और मतलब प्रारंभ हुआ, और इसके साथ ही याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे जो है भारत को भी इसमें झोंक दिया था। नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम की एक पार्टी बनाई थी, और साथ ही साथ 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग भी जो है किया गया था। तो याद रखना ये सब एग्जाम में पूछा गया है कि जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी, 1940 ईस्वी में। साथ ही साथ याद रखना कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा लाया गया। साथ ही साथ 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भारत जो है ये 1942 ईस्वी में आया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, और 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये सब घटना जो है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था, और ये 1936 से 1943 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जो है लॉर्ड वेवेल लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सब 1857 की महान क्रांति पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।